जी कृष्णैया हत्याकांड के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। आपको ये पता होगा कि 5 दिसंबर 1994 में मुजफ्फरपुर में 5000 लोगों के बीच में जी कृष्णैया आईएएस ऑफिसर की हत्या कर दी गई। वही जी कृष्णैया जो गोपालगंज जिले में पोस्टेड थे, किसी काम की वजह से वो हाजीपुर गए हुए थे और वहां से रिटर्न जब हो रहे थे तो मुजफ्फरपुर में 5000 लोगों के बीच में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब मौत के घाट कैसे उतार दिया गया इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग आज जानेंगे। जी कृष्णैया हत्याकांड में जो एक आईएएस ऑफिसर थे उनका हत्या कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था और ये सब होने के बाद जो हत्यारा था वो कैसे रिहा हो गया, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। मैं आपको बताऊं कि बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो रिहा हो चुके। अब मैं आपको एक बात बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जो मुजफ्फरपुर में 5000 लोगों को लेकर आनंद मोहन सिंह जो धारणा कर रहे थे वो किस चीज़ के लिए कर रहे थे। 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी बीपीपी के सदस्य रहे छोटल शुक्ला जो एक गैंगस्टर भी थे को मौत के घाट उतार दिया गया था और इसी का धारणा प्रदर्शन वो आनंद मोहन सिंह मुजफ्फरपुर में कर रहे थे 5000 लोगों के बीच में। आनंद मोहन सिंह का एक बहुत बड़ा स्पीच था जिसमें वो बोले थे कि हर एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब जी कृष्णैया हाजीपुर से रिटर्न आ रहे थे तो रास्ते में उनके बॉडीगार्ड को, उनके साथ जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया। तो जी कृष्णैया के ड्राइवर जो थे दीपक कुमार, जो अभी हाल फिलहाल ही 50 वर्ष के हुए हैं, वो उनको बोले कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलिए, लेकिन जी कृष्णैया का एक वर्ड था कि नहीं, जब तक मैं अपने बॉडीगार्ड लोगों को बचा नहीं लेता हूं तब तक मैं वापस यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे उतरना ही पड़ेगा, दिस इज माय ऑर्डर। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर उतरते हैं उनको कूंच कूंच कर और उनके बॉडी में कम से कम इतना ज़्यादा छेद कर दिया गया, वो भी गोली से, कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, एक सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में 6-7 लोग 8 लोग पकड़े जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं उस वक्त, लेकिन उसमें से 6-7 लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें से कई ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, कई ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है, जिसमें शामिल एक आनंद मोहन सिंह को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट उस फांसी की सज़ा को तब्दील करते हुए ये कहती है कि आनंद मोहन सिंह को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस लोकतंत्र में जीते हैं, हम जिस राज्य में जीते हैं, यहाँ की सुशासन सरकार कुछ इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप सोच नहीं सकते हैं। सोचिए अगर आपके जिले के अधिकारी का हत्या कर दी जाए और उस हत्यारे को रिहा कर दिया जाए तो आपके जिलेवासियों पे क्या बीतेगा, आपके राजवासियों पे क्या बीतेगा, क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि आनंद मोहन सिंह अभी रिहा हो चुके हैं और आनंद मोहन सिंह के साथ साथ 27 ऐसे कैदी रिहा हुए हैं जिनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे दायर हैं। कोई रैपिस्ट है तो कोई मर्डरर है, कोई किसी ना किसी चीज़ में फंसा हुआ है, कोई ऐसा कांड किया है, वैसे लोगों को रिहा कर दिया गया। अब मैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जेल मैनुअल 2022 में साफ साफ ये बात लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी की अगर हत्या कर देता है तो वो चाहे उसका आचरण कैसा भी हो जेल में, उसको समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश सरकार उसी जेल मैनुअल में कुछ ऐसी बदलाव करती है और बदलाव करने के बाद से आनंद मोहन सिंह को रिहा करती है। तो बदलाव में क्या कहा जाता है, जो मैनुअल में ये बात लिखी गई थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी का हत्या करता है उसको समय से पहले बाइज्जत बरी नहीं की जाएगी, उसी मैनुअल में सुशासन सरकार उसमें बदलाव करती है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का भी हत्या करता है, अगर उसका आचरण बहुत अच्छा रहता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। उसने एक मर्डर की और बिहार की सरकार हमारी नज़रों में ये करोड़ मर्डर की। एक मर्डरर मर्डरर ही होता है, वो चाहे आम आदमी का मर्डर करे या फिर किसी सरकारी अधिकारी का हत्या करे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार में
जो सुशासन सरकार है, जो नीतीश सरकार है, ये आखिरकार ऐसा क्यों की? अभी आपको पता होगा कि देश में बहुत ऐसा चीज जो चल रहा है कि आतंकवादी है चाहे क्रिमिनल है। अभी अतीक अहमद अशरफ की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें उन लोगों को हत्या कर दिया गया, सामने जो पुलिस थी उनके सामने गोली मारकर उनको मार दिया गया, उनके बेटे को ये कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए वो कहीं ना कहीं गुनाहगार थे, इनकाउंटर करके मारा गया। उसने जो काम किया है वो घिनौनी काम। अतीक को लेकर बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे लोग इस पे बवाल कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा था वैसा था। अरे कैसा भी था, मर्डरर था, जो भी था वो मर्डरर था। उसने एक व्यक्ति की हत्या की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता है। मेरे नजरों से जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। खैर सबसे बड़ी बात है जो बिहार के आनंद मोहन सिंह है, ये जो हमारे बिहार सरकार में हुई है ये बहुत गलत हुआ है। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र वाले में जी रहे हैं, और ये कौन सी लोकतंत्र है भाई कि जो मर्डरर है वो बाहर है, साला जो बेगुनाह है वो जाकर कहीं फंसा हुआ है। आप मनीष कश्यप के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आपको ये बात से रूबरू होना पड़ेगा कि गलती कोई भी करे लेकिन नाम उसी का आता है जो बड़ा होता है उसमें और उसको फंसा दिया जाता है। उसी तरह उसमें 7-8 लोग थे जिन पे ये मुकदमा दायर किया गया, लेकिन उसमें से एक आनंद मोहन को मोहरा बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आनंद मोहन के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। देखिए ये लॉजिकल बात है, जो बातें हुई, देखिए जबकि ये मर्डर हुई है 1994 5 दिसंबर 1994 की हत्या हुई, उस वक्त तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ा, जो मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो चीज़, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और बिहार के लिए घिनौनी बात है कि कैदियों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, और फिर ये जो सुशासन की सरकार है जो सोच रही है कि नहीं हम ही तो हैं, हमारे पास सत्ता है तो हम जो मन वो बदल सकते हैं, हम जो मन वो कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गुनाहगार है। कहीं ना कहीं आपके जो आगे आने वाले इलेक्शन है उसके लिए गुनाहगार है। देखिए जब सत्ता किसी के हाथ में हो तो वो चाहता है ना कि मैं जो मन वो कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनाह करें। आपने एक मर्डर नहीं, आपने 1000 मर्डर किए, आपने एक आनंद मोहन को रिहा करके। कैदी जो मर्डर करके गया है, जो आईएएस अधिकारी की मर्डर करवाया है या किया है, वैसे लोग आज हमारे राज्य में बाहर घूम रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत घिनौनी बात है। इसके अलावा ये जान जाइए कि अब किसी का भी मनोबल बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा कि भाई इसका तो ऐसा हुआ 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद छूट ही जाता है, तो फिर कहाँ बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। हम तो ये कहते हैं कि जो मर्डर करे उसे भी मर्डर कर दो, जो एक आईएएस अधिकारी का मर्डर कर दे उसको किसी घाट उतार दो, लेकिन नहीं, हम तो सुशासन के सरकार में हैं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में है वो कुछ भी कर सकता है। मनीष कश्यप की क्या गुनाह थी? मनीष कश्यप ने बस वो दिखाया जो और बहुत ऐसे लोग दिखाए, लेकिन मोहरा मनीष कश्यप को बना लिया गया क्योंकि कई दिन से वो टारगेट पे थे। तो बहुत ऐसी चीज़ है, अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा चीज़ बात होते जाएगा। हमारा काम है उसके बारे में एक पॉइंट निकालना, बताना कि ये सही है कि गलत है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और अब देखिए आगे आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है। सुशासन की सरकार नीतीश बाबू सोचते हैं कि हम ही तो हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आपको ये सोच कर और आपके ये जज्बातों पे घिन आनी चाहिए कि आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है और ऐसा करना गुनाह है। अब देखिए आगे की घटना क्या होती है और आगे कैसे कैसे क्या मामला आता है। बाकी स्वीकार कीजिए, मैं मुन्ना पंडित और आप देख रहे हैं आरडीआई टॉक्स। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ।